जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, प्यारे भक्तों, केवल एक काम करने से आपके जीवन में गरीबी, अशांति, दुख, क्लेश आ नहीं सकते। प्यारे बंधुओं, देखिए, गरीबी, अशांति, सुख और क्लेश इस अपने जीवन में कोई भी मनुष्य नहीं चाहता है, लेकिन आ जाते हैं। यह क्यों आ जाते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है, वही हमारे संत हमें समझा रहे हैं। वह समझा रहे हैं कि जो गरीबी है वह हमारे प्रारब्ध से आती है, क्योंकि हमारा कुछ जमा नहीं है, इसलिए गरीबी आती है। ऐसे ही शांति, दुख, क्लेश भी आते हैं, क्योंकि इन चीज़ों से हमारा भंडार खाली है, और इन चीज़ों से भंडार भरने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमारे संत बार बार यह समझाते रहते हैं कि तुम जानबूझ करके दुखी हो रहे हो, जानबूझ करके तुम गरीबी में जी रहे हो, और अपने जीवन में क्लेश को ला रहे हो। इसका मुख्य कारण क्या है, हमारे संत इस पर बहुत ही प्रकाश डालते हैं, समझाते हैं, लेकिन कुछ लोग समझ पाते हैं, ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इस संसार में उस परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, जिसके लिए संतों ने लिख दिया है कि जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान की। तो हम इस बात को समझते ही नहीं हैं कि परमात्मा जर्रे जर्रे में वास करता है। हम उसका किस तरह ध्यान करें, किस तरह उसका स्मरण करें। उसने हमें 84 लाख योनियों में जो सबश्रेष्ठ शरीर मनुष्य है वह दिया, मन बुद्धि दी, जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, अच्छा बुरा भला, ऊंच नीच, हर चीज़ को जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने मन में अशांति रखते हैं, दुख रखते हैं, क्लेश हमारे जीवन में रहता है। इसका मुख्य कारण केवल और केवल बंधुओं यह है कि हम उस परमपिता परमात्मा को, उस सर्वशक्तिमान को, और हम भूले हुए हैं। और जो उसे भूल जाते हैं, वास्तव में उनके जीवन में गरीबी भी होती है, अशांति भी होती है, क्लेश दुख भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वो समझ नहीं पाते हैं। और संत हमें बार बार से यही समझा रहे हैं कि हर चीज़ से छुटकारा पाने के लिए, आनंद में होने के लिए, परमानंद को प्राप्त करने के लिए, और सारे सुखों का जो भंडार है वह वही परमात्मा है। इसलिए आप अपने जीवन में केवल एक ही काम करें, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते उस परमपिता का सुमरण करें, नाम जप करें, तो वास्तव में आपके जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी आ नहीं सकती है। बंधुओं, चाहे आप आज समझ लें, या कल समझ लें, या 10-20 साल बाद समझ लें, या जीवन में समझ लें, आपको समझना ही पड़ेगा। और जब तक आप समझेंगे नहीं, आपके दुखों का अंत नहीं होगा। आपके पास सुख आएगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर दुख आ जाएगा। ऐसे ही आपको थोड़े समय के लिए शांति मिल जाएगी, उसके बाद में अशांति रहेगी। और बंधुओं, जो गरीबी है वह भी आपके साथ रहेगी रहेगी, थोड़ी देर के लिए आपको गरीबी छोड़ देगी, लेकिन फिर आपके पास गरीबी लौट के आएगी। लेकिन हर क्षेत्र में आप सफलता चाहते हैं, हर क्षेत्र में आप सर्वगुण संपन्नता चाहते हैं, तो आपको ये राम नाम जप करना ही होगा। बंधुओं, हम आशा करते हैं कि आज से नहीं, अभी से
जो हमारे संत समझा रहे हैं उनकी बातों को हम सिर माथे रखें और राम नाम जप शुरू कर दें, तो हमारे जीवन में सब कुछ वह होगा जो हम चाहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।